नमस्कार, T20 2024 बैटल ग्राउंड में आपका स्वागत है और भारत जीत के करीब है, सुपर एट का टिकट मिलने वाला है। शुरुआत में दो विकेट गिर गए रोहित शर्मा और विराट कोहली को, तो लगा कि मैच थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सौरभ नेत्रवलकर जो मलाड के रहने वाले हैं, उनके पिताजी से मेरी बातचीत हो रही थी आज सुबह भी, और अभी अभी खबर आई भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीत हासिल कर ली है, सुपर एट का टिकट हासिल कर लिया है। ये बड़ी जीत इसलिए है क्योंकि यहाँ के बाद भारतीय टीम कामयाबी एक तरीके से हो गई, और दक्षिण अफ्रीका के बाद भारतीय सिर्फ टीम ऐसी है जिन्होंने सुपर एट में जगह मिली है। लगातार तीसरी जीत हासिल हुई है भारत को। विराट कोहली ने 0 रन बनाए, 0 पे आउट हुए थे। रोहित शर्मा 3 रन बनाकर आउट हुए थे, और ये दोनों खिलाड़ी सौरभ नेत्रवलकर जो हैं, जो मलाड से सैन फ्रांसिस्को गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनकी गेंद पर आउट हुए। अर्शदीप की हम तस्वीरें देख रहे हैं, टीम इंडिया की देख रहे हैं। अर्शदीप ने भी एक विश्व इतिहास रचा है, यहाँ पे पहली गेंद पर विकेट लिया T20 वर्ल्ड कप में, और उसके बाद पहले ओवर में 2 विकेट उन्होंने हासिल किए। भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं अब तक, वो 7 विकेट उनके नाम हैं। हार्दिक पांड्या के नाम भी 7 विकेट हैं, बुमराह के नाम 5 विकेट हैं। तो कमाल की गेंदबाजी रही है अब तक के सभी मैचों में भारतीय टीम की, सभी गेंदबाजों ने जानदार प्रदर्शन किया है। लेकिन इस सब के बीच अमेरिका की तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने शानदार क्रिकेट खेला है, और सौरभ नेत्रवलकर जो भारतीय टीम के करीब, भारतीय मूल के 8 खिलाड़ी हैं अमेरिकी टीम में, और उनमें से सौरभ नेत्रवलकर जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सुपर ओवर में शानदार प्रदर्शन किया था, वहां भी वो सुपर हीरो साबित हुए थे, और फिर यहां पर आकर उन्होंने विकेट लिया है, बहुत काबिले तारीफ है। लेकिन अमेरिकी जो भारतीय टीम है, 2007 की वर्ल्ड चैंपियन टीम, और जिस तरीके का एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान जैसा झटका भारत को नहीं लगा। 2 विकेट जरूर गिर गए क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर हैं सौरभ नेत्रवलकर, और उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली के विकेट लिए, लेकिन इसके बाद एक ऋषभ पंत का विकेट और जरूर गिरा, लेकिन इसके बाद भारत संभल गया और भारत ने 7 विकेट से शानदार जीत हासिल की 18.2 ओवर में, यानी कि 6 और 4 10 गेंद रहते ही भारत ने जीत हासिल कर ली, और 7 विकेट से जीत हासिल कर भारत ने सुपर 8 का जो टिकट है वो भी हासिल कर लिया। और ये सौरभ नेत्रवलकर जो हैं, आपको उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये जिम में हैं, और इन्होंने युवराज सिंह का भी विकेट लिया था पहले कभी, और उसके बाद से इनको एक बड़ा चांस मिला था मुंबई से खेले, लेकिन सॉफ्टवेयर पढ़ने में अच्छे थे और अमेरिका चले गए। 2010 का U19 वर्ल्ड कप है, ये भी इन्होंने खेला था, यहाँ से अमेरिका चले गए, और इन्हें जब ये बताते हैं कि ये क्रिकेट का बूट्स लेकर भी, जो शूज़ हैं वो लेकर भी नहीं गए थे, फास्ट बॉलर का अलग शूज होता है स्पाइक की तरह, वो लेकर भी नहीं गए थे, लेकिन वहाँ एक उनको चांस मिला और भारत के लिए बेशक नहीं खेल पाए, लेकिन अभी जो कामयाबी भारतीय खिलाड़ियों को आउट करके उन्होंने किया है, उन्होंने एक अमेरिका में, अमेरिका को एक रोल मॉडल मिल गया है, और भारत ने अमेरिका को हरा कर सुपर एट में जगह बना ली है, कमाल की कामयाबी है। ये आपको फिर से उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं सौरभ नेत्रवलकर की, जो इस तरीके से, और कौन है सौरभ नेत्रवलकर ये जरूर जानना चाहिए, हालांकि भारत ने जीत हासिल की है। और जैसे कि अब मैं पहले से बता रहा था, रोहित विराट कोहली का विकेट लिया पहले ही ओवर में, रोहित शर्मा का भी विकेट उनके नाम हुआ, तो ये उनके लिए जिंदगी भर के लिए यादगार लम्हा हो गया। 2010 में भारत के लिए वो U19 वर्ल्ड कप उसमें खेला था, केएल राहुल भी उस टीम में थे, अशोक मानेरिया कप्तान थे, और पाकिस्तान के खिलाफ भी इन्होंने विकेट लिए थे, मुंबई के लिए भी क्रिकेट खेले हैं, इनके पिताजी अभी भी मुंबई में, आज सुबह मेरी बात हुई थी, और पहले इन्होंने जो मैं बता रहा था कि युवराज सिंह का इन्होंने विकेट लिया था, और जिसकी वजह से ये लाइमलाइट में, एक तरह से क्रिकेटिंग सर्किट में लाइमलाइट में आए थे, फिर अमेरिका चले गए, अमेरिका में ओरेकल में काम करते हैं, पार्ट टाइम क्रिकेटर हैं, फुल टाइम क्रिकेटर नहीं है क्योंकि वहाँ भी काम करते हैं। मलाड से सैन फ्रांसिस्को का इनका शानदार सफ़र रहा है, और क्या कमाल की गेंदबाजी उन्होंने की है थ्रू आउट टूर्नामेंट, और अभी भी अमेरिका के सुपर एट में पहुंचने के चांस है। अगला मैच अगर वो जीत जाते हैं तो पाकिस्तान बाहर होगा, और अगला मैच किसी तरह से नहीं हो पाता है तो भी पॉइंट शेयर करके ये बाहर जा सकते हैं, सुपर एट में पहुँच सकते हैं। और हम सीधे चलते हैं राजेश चौहान के पास, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और हमारे दोस्त राजेश चौहान। सबसे पहले अमेरिका ने जीत हासिल की है, भारत के लिए सुपर एट में पहुंचना एक बड़ा स्टेज पार करना होता है, और साथ में इस खिलाड़ी की भी तारीफ करनी होगी सौरभ नेत्रवलकर की। नहीं, पूरे हिंदुस्तान को बधाई कि भाई हम सुपर एट में पहुंच गए हैं, अच्छी बात है, हमने अच्छा प्रदर्शन किया, मेरे ख्याल से हम लोग ने 3 विकेट गंवाए। लेकिन नेत्रवलकर की जहां तक अपन बात कर रहे हैं, आप भी, मैं देख रहा था, सुन रहा था, उसके बारे में मैंने पढ़ा,
देखिए अंडर 19 वर्ल्ड कप जैसे पढ़ा मैंने कि वो टीम में थे और वो खेले हुए हैं, सूर्य कुमार के अच्छे फ्रेंड है, ठीक है, अच्छी बात है। और ऐसा नहीं होता है कभी कभी, क्रिकेट बहुत सारे लोग खेलते हैं, कभी किसी को मौका मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। उनको नहीं मिला, पढ़ाई में चले गए, लेकिन आज वो US की टीम में खेल रहे हैं, अच्छी बात है, उनको एक मौका मिला। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ रितेंद्र सोढ़ी भी जुड़े हैं। रितेंद्र चंडीगढ़ से जुड़ रहा है। रितेंद्र, आपने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला है और इस खिलाड़ी ने भी, सौरभ नेत्रवलकर ने भी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था, उस लिहाजन बताइए कितनी बड़ी, कितना बड़ा अचीवमेंट। आप तो इंडिया भी खेले लेकिन इनको इंडिया खेलने का मौका नहीं मिल पाया। अमेरिका के लिए, जो अमेरिका में जो क्रिकेट को हम का हम प्रचार करना चाहते हैं, भारतीय जीत के बाद, पहले तो भारतीय टीम सुपर एट में पहुंच गई और उसके बाद ये बहुत बड़ी कामयाबी है, एक क्रिकेट का बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट है एक तरह से। जी हाँ बिल्कुल विमल, देखिए सबसे पहले तो भारत ने मैच जीता है, बहुत बड़ी मुबारकबाद हो। लेकिन जैसे अभी सौरभ की बात की आपने, हर लड़का जो क्रिकेट खेलता है भारत में, उसका सपना होता है भारत के लिए खेलना, लेकिन सब नहीं खेल पाते हैं। देखिए बहुत सर्कमस्टेंशियल भी होता है, आप मौके पे परफॉर्म भी नहीं कर पाते जब सिलेक्टर्स होते हैं बड़े बड़े मैचेस में, लेकिन कई बार आपको नोटिस भी नहीं किया जाता, आपकी बदकिस्मती होती है। लेकिन ये लड़के ने अपना लोहा मनवाया है, और जैसे सब बात कर रहे हैं USA पहुंचा, नौकरी वहां शुरू की, लेकिन उसके बाद जैसे क्रिकेट भी शुरू की और क्रिकेट में एक्सेल किया, वर्ल्ड कप अब खेल रहा है। और पहले भी बात हो रही थी शाम के शो में कि इस लड़के ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, ही इज रियली टॉयल्ड हार्ड। तो आज जिस तरह बोलिंग की है, मुझे लगता है इसने सबको आज अपने क्रिटिक तो चुप करा दिया है, और जो इसके वेलविशर्स हैं उनको बहुत खुश किया होगा, क्योंकि ऐसी बोलिंग करना, ऐसा जज्बा दिखाना, ऐसी मशक्कत दिखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जी हाँ, USA जरूर आज मैच हारा है, लेकिन USA ने दिल भी जीता है बहुत लोगों का जो क्रिकेट फैंस हैं, क्योंकि इस टीम को लड़ना आता है, और डेफिनेटली आने वाले समय में हम इन लड़कों का नाम अब बहुत सुनने वाले हैं। और अब इन सब की तारीफ कर रहे हैं तो पहले रितेंद्र आपसे अर्शदीप के बारे में, क्योंकि अर्शदीप को आप क्लोजली जानते हैं, अर्शदीप ने जो प्रदर्शन किया है, देखिए IPL में वो चले नहीं और उन पे एक डाउट्स था, बुमराह के एक तरह से अगुवाई में वो गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन छोटे मियाँ बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। विमल एक बार आप दोबारा बोलेंगे, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं। मैं कह रहा हूं बड़े बुमराह उनकी अगुवाई में थे, तो कह सकते हैं बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, आज चार चार विकेट ले लिए उन्होंने। जी हाँ बिल्कुल, देखिए अर्शदीप ने तो अपना पंजाबी में कहने अग ला देती है, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, और ऐसी बॉलिंग करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अर्शदीप ने देखिए अपना जो खराब टाइम भी देखा है, क्योंकि एक समय इनकी बहुत बात हो रही थी, इनको यॉर्कर्स का बेताज बादशाह कहा जाता था, लेकिन फिर रास्ता खोया, यॉर्करे लगनी बंद हो गई, इनको थोड़ा सा राइट ऑफ भी कर दिया गया। जब वर्ल्ड कप टीम में नाम आया तब बहुत लोग उन्हें क्रिटिसाइज भी किया कि अर्शदीप की शायद जगह नहीं बनती थी, लेकिन देखिए आप अपने क्रिकेट को ना अपनी परफॉर्मेंस से चुप करवा सकते हैं, जब आपका बैट बोलता है, आपकी बॉल बोलती है, तो सब चुप कर जाते हैं। तो अर्शदीप के क्रिटिक्स भी बहुत शांत हो गए होंगे, क्योंकि अर्शदीप एक ऐसे बॉलर है विमल, उनको नया बॉल तैराना आता है, डेथ बॉलिंग करना आता है, बहुत इफेक्टिव बॉलर है, और इस फॉर्मेट के T20 फॉर्मेट के बेताज बादशाह है। तो जी हाँ, बहुत बड़ी मुबारकबाद अर्शदीप को, उनके सारे परिवार को, जिस तरह आज उन्होंने एक ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस करके दिखाई है। बिल्कुल राजेश भाई, एक तो इतिहास रचने की बात होती है, पहले ही गेंद पर विकेट लेना, ये अपने आप में उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया, ऐसा किसी और इंडियन प्लेयर ने अब तक नहीं किया था, तो उनके नाम एक इतिहास दर्ज हो गया, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। पहले ही ओवर में दो दो विकेट लेना बगैर प्लानिंग के नहीं हो सकता है, फ्लूक से नहीं हो सकता है, और पहला ओवर कप्तान उन पर भरोसा दिला रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप ध्यान दें थोड़ा विमल जी, तो जब इसका सिलेक्शन हुआ वर्ल्ड कप में, बहुतों ने क्रिटिसाइज किया क्योंकि IPL में अच्छा नहीं हुआ था, ठीक है, आप ये इसकी बात कर रहे हैं ना, अर्शदीप की बात कर रहे हैं, अर्शदीप, करेक्ट करेक्ट। तो अब क्या हुआ कि जब वो क्रिटिसिज्म में आए तो लोगों ने कहा, अब हुआ ये था, सन्नी हमारे इंजर्ड चल रहे थे, हमें बॉलर की जरूरत थी, राजेश भाई, राजेश भाई हाँ। एक सेकंड के लिए राजेश भाई, हम सौरभ नेत्रवलकर के पिताजी मलाड से जुड़ रहे हैं, नरेश नेत्रवलकर, और सबसे पहले सर आप सुबह आपसे बातचीत हो रही थी, आपने कहा था शीरा चढ़ाएंगे प्रसाद में, और शीरा चढ़ाने के लिए आपके बेटे ने जाहिर तौर पे आपका दिल जीत लिया होगा आज। पक्का पक्का, उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा,
हालांकि इंडिया जीतने वाली ही थी, तो हम लोग तो इंडिया के लिए ही वेट कर रहे हैं क्योंकि इंडिया की टीम काफी अच्छी है, लेकिन मेरा यही कहना था कि सौरभ का परफॉर्मेंस अच्छा हो और उसने वो कर दिखाया आज। बिल्कुल, हम लोग बचपन में जब मैच देखते थे तो हम कहते थे कि विवियन रिचर्ड्स रन बनाए भले इंडिया जीते, वो आपकी हालत कुछ आज ऐसी ही थी। बराबर बराबर, मैं चीयर कर रहा था इंडिया के लिए, लेकिन मैं मन में ये भी कह रहा था कि मेरा लड़का अच्छा बॉलिंग करे और उसने वो कर दिखाया। सर पहले मैच के बाद भी मेरी बातचीत हुई थी जब आप उन्होंने सुपर ओवर में विकेट लिए थे और सुपर ओवर में टीम पाकिस्तान के खिलाफ जीत दिलाई थी। आज उनके लाइफ का सबसे बड़ा दिन होगा जो दो विकेट मिले हैं उनको? नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली वो ज्यादा ये था सुपर ओवर जो विन था वो ज्यादा जरा नहीं था ऐसा लगता है मुझे। बिल्कुल, और उनके नाम बहुत बड़े बड़े विकेट हो गए। देखिए पहले उन्होंने युवराज सिंह का भी विकेट लिया था, आज आप मैच देख रहे थे आज विकेट रोहित शर्मा का विकेट लिया, विराट कोहली का विकेट लिया, आप उनको क्रिकेट ग्राउंड पर लेके आए। सबसे बढ़िया विकेट अब तक जो आपने उनको देखा है, सबसे बढ़िया विकेट कौन सा लगा आपको? नहीं नहीं आज जो इसमें विराट कोहली को जो आउट किया वो काफी अच्छा डिलीवरी था, और रोहित शर्मा को जो आउट किया वो बॉल थोड़ा रुक के आया था तो पिच में थोड़ा इसको मदद मिली थी जरूर। सर विराट का बॉल काफी अच्छा। अच्छा पहले मैच के बाद भी आपकी बातचीत हुई थी, अभी तो बात नहीं हो पाई होगी लेकिन उनकी मदर से अगर बातचीत हुई हो या जो इमोशन शेयर करते हैं वो मैच के बाद जो सौरभ इमोशन शेयर करते हैं वो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें? नहीं ऐसा कुछ ज्यादा बातचीत नहीं होती हमारी, थोड़ी बातचीत होती है मैच के बारे में कि क्या गलत हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो ज्यादा मुझे पता था, इतनी ज्यादा कुछ बातचीत नहीं होती हमारी मैच के बारे में। आपको लगता है आज के बाद टीम इंडिया जिस तरीके से अमेरिका खेला है वो अगला मैच अब इनके लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होगा और सुपर एट में ये टीम पहुंचेगी? इस ग्रुप से मतलब इंडिया और अमेरिका सुपर एट में पहुंचेगी? हाँ वो अच्छा ही खेल रहे हैं, वो उसका ये नहीं है, लेकिन उन लोग मैच टू मैच अपना परफॉर्मेंस देखते हैं। आयरलैंड को भी अभी क्या रहता है वो T20 गेम ऐसा रहता है ना कि वो दिन किसका रहता है वो मैच जीत के जाता है, तो ऐसा नहीं है। सर आप आज बिल्कुल आप इनको ग्राउंड पे लेके आए थे और फिर यहाँ से इंजीनियरिंग करने गए, आपको कभी दुख हुआ था कि अरे बेटे ने क्रिकेट छोड़ दिया? ये तो कह रहे थे कि मैं बूट जो क्रिकेट का बूट लेकर भी नहीं गया था। नहीं नहीं उसका डिसीजन था, उसने वो दिया पहले ही बोल के रखा था, 2 साल का उसने टाइम दिया था तो ठीक है, उसका खुद का डिसीजन था, ऐसा कुछ ये नहीं था, हमें उसमें कुछ खेद नहीं। चलिए आप हमसे जुड़े सर थैंक यू सो वेरी मच, लेकिन आपके और आपके परिवार के लिए बेहद बड़ा दिन है ये और सभी जो भी भारतीय हैं उनसे जुड़े हुए जाहिर तौर पे उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। थैंक यू सो वेरी मच। और हमारे साथ अमेरिका से शिकागो से डॉक्टर नीलेश जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर नीलेश सबसे पहले आप स्टेडियम के अंदर थे और सौरभ नेत्रवलकर जिनकी हम बातें कर रहे थे वो आज फिर हीरो साबित हुए, हालांकि भारत ने जीता और भारत बहुत बड़ी टीम है, भारत के को हराना इतना आसान नहीं है और भारत वर्ल्ड कप के जो अपना मिशन है उस पर चलती हुई नजर आ रही है, एक दो झटके जरूर लगे। बिल्कुल लगे झटके, लेकिन यूएसए की टीम जो है उनको किसी तरह की शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, परफॉर्मेंस उन्होंने बहुत बढ़िया दिया है और सौरभ नेत्रवलकर ने जो बॉलिंग की, विराट और रोहित की जो विकेट ली, शुरुआत थी, प्रेशर डाला इंडिया पे, मतलब ऐसा नहीं था कि चलो इंडिया आराम से मैच जीत के ले गया, उनको मतलब एक एफर्ट करना पड़ा और सम टाइम्स सम मोमेंट्स ऑफ द गेम देयर वाज सम फियर इन द कैंप आल्सो, मतलब यूएसए ने ये इतना तो जरूर बताया है, पैक स्टेडियम था 32,000 पीपल, इतना जरूर बताया कि भाई यूएसए यहां बिलोंग करता है, हम भी फाइट कर सकते हैं, और इन सभी जो दर्शक आज आए थे यहां पे नासा काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में उनको मतलब एक अच्छी गेम का मजा मिला है। बिल्कुल डॉक्टर नीलेश क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर नीलेश ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, शिकागो में रहते हैं, न्यूयॉर्क में मैच देख रहे हैं। डॉक्टर नीलेश आपको लगता है कि अमेरिका का क्रिकेट गेम है नहीं लेकिन अमेरिका को अब एक क्रिकेट का रोल मॉडल मिल गया जिसके सहारे वहां पे क्रिकेट और डेवलप कर सकता है? मैंने स्टुअर्ट लॉ जो यूएसए के क्रिकेट कोच है उनका इंटरव्यू लिया था, इनके बारे में लिखा था, तो उन्होंने
बताया था मुझे कि वन कल्ट फिगर विल अराइज ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड कप, और वो हमें मालूम है, वो फिगर जो है वो सौरभ नेत्रवालकर है। लड़का इंजीनियर है, बहुत होशियार है, अपनी पैटर्न्स भी निकाल रहा है, क्रिकेट में भी उसने अच्छा प्रदर्शन किया है। आज की मैच जो पिछली वाली मैच थी पाकिस्तान के विरुद्ध, उसमें भी अच्छा प्रदर्शन किया। सो ये जो सारी चीजें इकट्ठे हो रही है सौरभ नेत्रवाल के नाम पे, ये यहाँ के जो यूएस के जो बच्चे हैं जो देख रहे हैं कि मे बी आई कैन ऑल्सो बिकम ए सौरभ नेत्रवालकर, आई कैन बिकम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई कैन वर्क फॉर ए फॉर्च्यून 500 कंपनी, आई कैन ऑल्सो परसू क्रिकेट। सो ये यूएसए के अंदर क्रिकेट के लिए एक फिलिप समझो या एक इंजेक्शन समझो, विटामिन का इंजेक्शन समझो। तो ये अच्छा इंजेक्शन मिला है, जो जो इंजेक्शन की इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म रहे, ये हमारी सोच है। आगे क्या होता है अभी देखिए, फ्लोरिडा में बारिश हो रही है तो यूएस के सुपर एट में जाने के चांसेस बहुत है। बिल्कुल सुपर एट में पहुंचने के चांस बहुत है। डॉक्टर नीलेश डॉक्टरी की भाषा में समझा रहे हैं कि यूएस को एक इंजेक्शन मिला है। राजेश चौहान आपसे बातचीत कर रहे थे और बीच में हमें रोकना पड़ा था। सबसे बड़ी बात जो इंडिया टीम को इसमें जो जीत हासिल हुई है, बड़ी टीम है, बीच में स्केयर जैसे बता रहे हैं, रोमांच का मोमेंट जरूर आया, लेकिन इंडिया जितनी बड़ी टीम है और सुपर एट में पहुंचना, आपको लगता है कि वर्ल्ड कप के लिए जिस तरह का पेस चाहिए होता है एक चैंपियन टीम में, हम वैसा ही खेल रहे हैं? नहीं, जो देखिए हम वैसा ही खेल रहे हैं, हमारी टीम भी बहुत अच्छी है, सिर्फ थोड़ी सी ये है कि बाउंसी विकेट मिल गया है तो हमें थोड़ा सा शुरू में एडजस्ट करने में तकलीफ हो रही है, हमारे बैट्समैनों को, जो नए बैट्समैन हैं उनको तकलीफ हो रही है, और बाकी तो हमारी टीम अच्छी है, बॉलर ने बहुत अच्छा किया है, हमारे अच्छा कर भी रहे हैं। सुपर एट में हम यहाँ नहीं खेलेंगे, शायद हम वेस्ट इंडीज में पूरे मैचेस खेल रहे हैं, वहाँ की पिचेस अलग होगी, रेगुलर पिचेस हैं जो कई सालों से जिनको हम जानते हैं, हमारी पहचान की पीछे हैं, तो शायद वहाँ की क्रिकेट हमारी अलग होगी और वहाँ पर हमें और फायदा होगा, उस पीच को हम जानते हैं तो शायद हमारा परफॉर्मेंस और अच्छा बेटर होगा। बिल्कुल रितेंद्र, एक सवाल का जवाब लेते हैं, उसके बाद ब्रेक के बाद आप तीनों मेहमानों से जुड़ेंगे। रितेंद्र, अभी तक आप कह रहे थे और मैं जितने भी एक्सपर्ट से बात कर रहा था कि विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ना नहीं चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए, अगला मैच इंडिया को लॉडर हिल में खेलना, न्यूयॉर्क में नहीं खेलना, आपको लगता है ये कॉम्बिनेशन चलना चाहिए या हमारे पास एक्सपेरिमेंट का एक मौका है जिसको हमको खुल के आजमाना चाहिए? रितेंद्र देखिए, मुझे नहीं लगता विमल यहाँ पे आपको विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ना चाहिए, क्योंकि अगर तो किसी को कोई निगल है, इंजरी है, तो शायद देखिए चेंज वहां तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन टीम अच्छा खेल रही है। अगर आज की आप परफॉर्मेंस उठा के देखें, सब लड़कों ने जिनको मौका मिला अच्छा किया है, रोहित विराट थोड़ा सा चिंता का सबब है, लेकिन ये चैंपियन प्लेयर्स हैं, ये रन बना ही देंगे, और कहते हैं ना जब सिचुएशन गेट्स टफ तो हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यूएसए के खिलाफ खास आज कुछ नहीं किया है, लेकिन आने वाले मैचेस में अगर रोहित विराट अच्छा नहीं करेंगे तो हम फंसेंगे, तो हम उम्मीद कर रहे हैं ये दोनों रन बनाएं। बोलिंग में हमारे बोलर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्पिनर्स ने अच्छी गेंदबाजी की है, फास्ट बोलर्स की तूती बोल रही है। अगर हम बुमराह की बात करें, अर्शदीप ने आज जिस तरह लय दिखाई है, मुझे कोई भी चिंता नजर नहीं आ रही है कि वो हमारे प्रीमियर बोलर हैं बुमराह के साथ इस वर्ल्ड कप में। तो जी हाँ, विनिंग कॉम्बिनेशन फिलहाल ठीक ठाक है, बस नजर ना लगे, क्योंकि हम सब यही चाहेंगे कि बुमराह बिल्कुल फिट रहे, अर्शदीप बिल्कुल फिट रहे, लंबा वर्ल्ड कप है और इस दौरान अगर सब फिट रहते हैं तो हमारी टीम श्योरली हिट रहेगी। बिल्कुल, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, हमारी टीम बहुत अच्छा खेल रही है और जाहिर तौर पे, लेकिन बैटिंग को लेके एक थोड़ा सा कंसर्न जरूर है, और जैसा रितेंद्र कह रहे हैं कि रोहित और विराट चले फिर उसके बाद कोई निगल कोई समस्या नहीं रह जाएगी, लेकिन फिलहाल बड़ी बात यह है कि भारत ने सुपर एट में जगह बना ली है। आप तीनों मेहमानों का, राजेश चौहान, नीलेश और रितेंद्र, हमसे जुड़ने से, एनडीटीवी से जुड़ने का बेहद शुक्रिया, एनडीटीवी के दर्शकों का बेहद शुक्रिया, और भारत ने जीत हासिल की है, आप पार्टी करें, हमारे लिए भी पार्टी का वक्त है, और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एनडीटीवी इंडिया पर खबरें जारी है। तो बड़ी खबर है कि भारत ने सुपर एट में जगह बना ली है, T20 वर्ल्ड कप में भारत ने अमेरिका को 7 विकेट से हरा दिया। शुरुआती झटके जरूर लगे, रोहित शर्मा और विराट कोहली के विकेट गिरने के बाद थोड़ा सा रोमांच जरूर बढ़ा, और जो दोनों विकेट हैं, ये दोनों विकेट
भारतीय मूल के सौरभ नेत्रवलकर ने लिए जो मलाड से सैन फ्रांसिस्को गए और ओरेकल में काम करते हैं। उन्होंने 2 विकेट लिए, एक और विकेट गिरा ऋषभ पंत का, लेकिन इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने और धैर्य की परीक्षा नहीं होने दी। भारत ने ये मैच आसानी से उसके बाद 7 विकेट से जीत लिया और भारत की लगातार तीसरी जीत के साथ ही भारत ने सुपर 8 में जगह बना ली। अब अगला एक और मुकाबला खेलना है 15 तारीख को, लेकिन उस मुकाबले का भारतीय ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ने के लिहाज से भारत के लिए कोई खास मतलब नहीं है। भारत के पास प्रयोग करने के शानदार मौके हैं। सूर्य कुमार और शिवम दुबे की पारियों ने मैच में जीत हासिल करवाई। अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी की और पहली ही गेंद पर विकेट लेकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना भारत के लिए विश्व इतिहास कायम किया। इसके अलावा पहले ही ओवर में उन्होंने 2 विकेट भी लिए, 4 ओवर में 9 रन देकर 4 विकेट झटके उन्होंने।